सुबह के बज गए हैं 9:15। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जय श्री कृष्ण। कल हमारा ब्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि सब लोग सोने में व्यस्त थे। सूता था ना हमें आया अत्यारे ऑफिस। બપોરે ખાઈ પીને સુઈ ગયા હતા તે રાતે 7 વાગે ઉઠે સરકા ભાભી સા 6 વાગે ઉઠા પછી વેજુ હા અડી વાગે ને ઉઠી હતી તે અમારે વેલા 3 વાગે ઉઠી 3 બજે હે કેટલા વાગે અડી વાગે સ્કૂલે જાય આવી 6 ગઈ હતી 2:30 બજે 3 બજે તે સુબે 3 બજે 12 ઘંટે 1:07 નીંદ પૂરી કરી લી તો પૂરી રાત જગી હોગી ને 3 બજે સે હમ લોગ જગતે હી संगीता बिना जाने वाले हैं इसलिए संगीता बेन का संगली हो जाता है। हां एम नहीं आपने गया था रजा ये ना पड़े आपने आयो कसी है रजा पड़े तुम गया तेरे ने कहीं नो जगह रजा नहीं पड़ता आ रजा एम में ये पेट रजा पड़े तो कितनी धूड़ हो ये बोले आप घूमने गए थे तो अभी मैं भी जाऊंगी जाओ मैं अभी तारी बे साथ रजा पड़े ना એટલે ભી પડ જાય એકત્ર રજા પડે ને એક દિવસ ને એક દી આવે ને कमेंट करके बताना कि कौन कौन सा वो नुकसान हो रहा है कैसा माहौल है वहाँ पे। मीडिया में तो हम लोग देखते ही है लेकिन मीडिया पे अभी इतना भरोसा रहा नहीं है। मीडिया वाले थोड़े फाका वदर मार देते हैं। थोड़ा ना करे मोटू ये मुझे એટલે તમ તારા કાય ન કરે બાકા દિસ બેઠા છે નાજરા હસે જો ભી હો વો આપ રીઅલ હો વો બતાના પર અમારે યહાં પર તો હે ના થોડી થોડી પવન આ રહી હે થોડા થોડા પવન આ રહા હે ઝટક્યો પવન છે ઝટક્યો તો ધૂળ મિટ્ટી વેસે આ રહી હે બાકી वैसा कुछ ज्यादा है नहीं। सौराष्ट्र के साइड पे थोड़ा है इधर कुछ ऐसा है नहीं। ये मेरा भोपू मेरे को सुन रहा है देखते देखते। कल क्या हुआ बच्चे सो रहे थे दोनों और 6 बजे मैं उठी। पापा को भी बाहर खाना था घर पे नहीं खाना खाना था तो इतनी सारी रसोई मतलब नहीं बना सिर्फ थेपले बनाने थे तो बहुत नहीं था तो मैंने सोचा चलो अभी निराश से कल मैंने वीडियो वैसे नहीं बनाया था मुझे लगा था नहीं मेरे से एडिट वेडिट होगा तो मैं थोड़े थके हुए लगते थे और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ऐसा लग रहा था। सिर दर्द तो जा ही नहीं एक खूने पे टिक गया है ना वो जा ही नहीं रहा है तो नहीं बनाया आपका शेड्यूल थोड़ा वो गड़बड़ा गया इसलिए तो मैंने सोचा चलो टीवी देखती हूँ तो रिमोट देखा मैं टीवी कैसे चलता है वो भूल गया મમ્મી કે મુજે ભી કોઈ પતા નહીં ચડાય લાય રિમોટ રિમોટ માં થોડુંક દબાવ્યું પણ બંધ કરી નહીં હોય યાર મુજે તો લગી રહા હે મેં તો હોય જાઉંગી પાગલ એમ પડા હોગા ના લે આમ દીકુ જો મમ્મી ગાંડુ થઈ ગયું મમ્મી સકાયેલા સુગાવે છે એનું મોઢું કનિષ્કા મુજે 360 ઘૂમતા હે આમ યહાં પે સ્પૂન દે દે તો યહાં બાદ મેં મેં खिला के इधर देखते हो तो पूरा लगता है घर पूरा घूम रहा है इतना इसका मुंह घूमता है। खाने में चोर है पूरा पूरा चोर है मेरा दिखला है ना दिखलो अमेरिका तो पासा भी आता अमेरिका ના હું ઘરે આવી જાય હા એટલે જ ને વેલા પાલ અમેરિકા યાદ આવે ને એક જ કેતા તું છે તું છે બીજું આપો બંગલો હાલે પાપા સે મિલ લો
तबियत नहीं हारी? तबियत रेडी है। तो वहाँ वाला नहीं, तो आज का सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है, अगर हम दूसरों की सफलता का स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है। बराबर है। स्वीकार कर लेते हैं तो प्रेरणा बन जाती है। वाह। तो हम लोग भी सफल बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरित हो जाते हैं। ये भाई प्रेरित हो रहा है धीरे धीरे। दादा के साथ बहुत मजा आता है। कनिष्क को प्राम में लेके घूमते हैं तो भाई को बहुत अच्छा लगता है ना गट्टू। पापा अबे के खावा लग तो सुई जरा पण खाता रे भूता रे तो क्या लागो पड़े। तो बच्चों का तो क्या है, छोकरा ने तो भाव तो ए खावा नो। हां जो भूंगळा भावे छे खाई छे ने बे मोटे अहीं आवे जो एने केवू छे मने जे खावो ए खावा देवानो केम। स्वामीनारायण नो साधु होय एम लागे जो चोटी पड़ी जाय ने फर्स्ट क्लास एने ते गाळ वधे छे पीछे से ही बाल बढ़ रहे हैं। कोई नींद पूरी हो गई है ना पापा? मेरे को तो शेड्यूल फिक्स हो गया है, वहाँ पर भी हो गया था, इधर भी हो गया है। मेरा तो है नहीं एवरग्रीन। हाँ तो उनका हो जाता है, पर आपको अभी एक वीक हो गया है। तीनों में से नहीं, चारों में से किसी को नींद बाकी होती तो ऑफिस में सो जाता कुछ ना ना ऑफिस में नहीं सोते एसी चालू है नहीं है ऑफिस में नहीं सोते नहीं वो बात गलत है ऑफिस पे नहीं वो था। और पापा कल शाम को गए थे किधर खाने के लिए? किधर गए थे पापा? वो जो दला भगत है ना, दला भगत है आ, उनके वहाँ गया था। क्या खाया? वो तो मेथी भजिया खाया। हाँ और रतालू पूरी खाया। रतालू पूरी वाह। बस दो ही बना था, दो ही था। हाँ तो थोड़ी गर्मी है ना तो आपको पेट में प्रॉब्लम हो गया ना। अभी हमारा भाई का ब्लॉग आ गया है, देख लीजिए मस्त वाला अमेरिका वाला, वो पार्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। लाली भाई के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमको भी इधर देखने में मजा आता है। क्यों टाइम मिलता है हम देख लेते। मैं तो आते ही देख लेता हूँ, मेरे को तो मजा आता है। लाली मैं देखती हूँ ना तो मुझे अंदर से थोड़ी जेलसी होती है तो मैं आप तो झाके आए फिर भी जेलसी होती है। तो आप लोग थे ना उधर तभी वो भाई है ना एंजॉय नहीं कर पाता था। हम लोग थे ना तब लाली भाई और जयदीप का मुंह देखने लायक इतना ही रहता था, बच्चे हम सफर तो भी मुंह इतना ही रहता था। कितना एंजॉय कर रहे हैं वो दोनों अकेले, कहीं पर भी निकल जाते हैं घूमने के लिए, कहीं पर भी खा लेते हैं, कोई चिंता नहीं है ना। इसीलिए तो बच्चे थे तो किसी की चिंता थी नहीं, हम तो संभाल ही रहे थे। मगज में तो वही घूमता रहता है ना, इसीलिए लाली भाई को चिंता वो रहती थी मैम कुछ तोड़ देगा तो फाइव डबल भरना, वो तो वही टेंशन में आते हो गए। वो थोड़ा तूफानी ज्यादा था। और जयदीप का तो आपको पता ही है, जोर से नहीं बोलना है, वे नहीं करना है, वो नहीं कर, लेकिन बच्चे तो समझते नहीं। ये देखो बच्चा हमारा खाने के लिए बैठ चुका है फिर से। देखो जो सुबह तो नहीं खाया था भोपली, बहुत टाइम के बाद हमारे यहाँ पर घोड़िया ऊपर से नीचे आया है। दो तीन महीने हो गए होंगे शायद, नहीं ये डेढ़ महीना क्या थी दुबई जाने तो थे। हम लोग दमन गए थे ना लास्ट टाइम, तभी पूरा छूट गया था। दमन से वापिस आने के बाद वो पांगरा तो वहाँ पे भूल गए तो बोला नीचे उतारा ही नहीं था तो मम्मी ने बोला। तब 5 तारीख गया था ना, 10 तारीख आई गया, 15 तारीख आई गया था, बस आम गया। आज 15 थे वो, 2 महीना थे। आज 15 थे ना, तो 2 महीना ना थे। 2 महीने के बाद ये भाई खोड़िया में सुआ है भाई। तो पांगरा सो के उठा, इतना खुश था, मम्मी ने देखा था। पांगरा से नहीं मुख्य है वाता दमन। हाँ भूल ही जाता। ये गमे ले जा एक एक वस्तु मुख्य लावे याद ही माते काई नहीं। एक दमन आटो मारे पासो आटो मारे पांगरा ने बोलू ऊपर ना बोल्ट एक थैली में नाखी ना मुकता है। आप लोगों को पांगरा नहीं पता है तो इसको पांगरा बोलते है। तो हमारे यहाँ पर भी वावाजोड़ा का असर हो रहा है धीरे धीरे। ये बिल्ली का झाड़ पूरा हिल रहा था थोड़ी देर पहले, और ये नारियल के झाड़ तो वैसे भी हिल रहे हैं। अभी ये हिलेगा ना पूरा तभी मैं दिखाऊंगा अच्छे से। 2 साल पहले मम्मी वावाजोड़ा था तभी वो बिल्ले में है ना जीने जीने वो बीज जाते हैं ना बीज, वो खर गए थे पवन के हिसाब से। तो इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि पूरा निकल जाएगा, खाली हो गया है पूरा। ये वरना है ना पूरा भरचक होता है, बांद्रे बांद्रे सब। ये देखो
ये ना बिल्ले ये इतने इतने बिल्ले है ना थोड़े थोड़े आ जाते हैं इस टाइम तक, ये बहुत ही कम दिख रहे अभी तो इस साल तो ये बिल्ले बहुत ही खरी गया वो बड़ा बड़ा बिल्ला थे इस गया जमरुक जोड़ा तो इस साल तो कम बिल्ले हो गए ऐसा लग रहा है ना पांदरा भी बहुत कम है तो ठीक गया फूल आते हैं ना वो निकल गए चलो एंजॉय करो। तो अभी हमारे घर पे ये बैल उड़ गया शॉर्ट सर्किट होके तो हमने नया डलवाया है अभी सुबह सुबह भड़ाका हुआ था और संगीता बहन ने बैल की स्पीड दबाई ना तो आधी रह गई थी तो तड़ाका भड़ाका हुआ भाभी के रूम के लाइट चली गई थी तो थोड़ा इलेक्ट्रिक का काम के लिए बुलाए थे अंकल को लेकिन हमारे घर में ज्यादा काम निकला है तो पूरी दोपहर आज इलेक्ट्रिक का काम ही चलने वाला है। तो बिल में इतनी गंदी स्मेल आने लगी ना मैंने बोला मम्मी को मम्मी को स्मेल आ रही है मम्मी के पाछड़ वसंत भाई रबर बाजी कहीं नहीं पर मैं मम्मी आम आवाज है हाँ आई तो आज में आवाज बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ हमारे घर पे क्या है कोई भी शॉर्ट सर्किट होती है तो यहाँ पे स्विच हाँ वो एमसीबी है ना हाँ। वो इसको एमसीबी बोलते हैं ये बंद हो जाता है ऑफ हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट ज्यादा लगता हाँ। नहीं है वैसे मुझे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। काम का चल रहा है हमारे यहाँ पे ये बेल लग गया है नया यहाँ पर बजाओ बजाओ ये तो उधर से आगे से हाँ बेल बड़ी की लगता है नया बेल का आवाज है बेल नो आवाज एवं आवे बेल नो आवाज बीजो केव आवे दो रेगुलेटर बिगड़ गए थे तो दो लगा दिए भाई ने नए वाले और ये भाई यहाँ पर ऊंधा माथे रोल रहे है विठल भाई केम नो विठल भाई ऊपर तो दो केम नो વિઠ્ઠલ ભાઈ અમારે તો વાયરિંગ કર્યું છે કેટલા વર્ષ થયા આ વર્ષ તો 2016 પછી પહેલી વાર કર્યું તો બી એ રિપેરિંગ હો ગયે હો જાય કે ઉપર રેગ્યુલેટર અચ્છે છે પકડ આપો બેન પકડ તમે ઇલેક્ટ્રિક વાળા થઈને પકડ ન રાખતા યાર ગાડીમાં 3 હોય આયા એક જ લઈ ગાડીમાં 3 હોય ને તો આરે થોડા બધા ફેરવાના આપો घर में कुछ काम चल रहा होता है और घर गंदा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हिज आ गए स्कूल से घर पे और घर हो गया है पूरा गंदा अभी तो क्या ही बताओ इतना सर दर्द हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इसको स्टार मिल चलो आज भी डोलो लेके सोना पड़ेगा। डोलो यहाँ पे मैं अपने रूम में ही रखती हूँ आधी आधी लेनी ही पड़ती है मुझे कभी कभार। चलो ले लेके थोड़ा और एडिट करके हिजू को थोड़ा खिलाएंगे। हिजू खाना खा लेना मुझे नहीं खाना। देखो खाने के लिए बच्चों के साथ इतनी मगजमारी रहती है ना पूरा सर दुख का। तुम क्यों नहीं खाते नहीं खाना होता है तो कोई नहीं। चलो ये चल रहा है अभी तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर देती हूँ। अभी हम सो जाएंगे शायद मैं वीडियो अभी एडिट कर दूंगी हिजू को रेडी करके क्योंकि क्या है शाम को 5-6 बज जाते उठने उठने में बाद में ऐसा कुछ मूड नहीं बनता एडिट भी नहीं हो पाता तो अभी से मैं एडिट करके ही सोऊंगी ताकि मुझे वो टेंशन ना रहे एडिट करना अपलोड करना वो सब। तो आज का वीडियो का एंड भी यहीं पे करते हैं। लाइक कर दो शेयर कर दो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करवा दो प्लीज जल्दी जल्दी। अब हम मिलेंगे कल कुछ नए कंटेंट के साथ। और यस बस उतार चो बेटा भाई क्या सूतो छो ये चालू हो तो ना काम मतलब बाना रूम में बा दादा ने काम करूँ क्या सूता छो ना। और यस जयदीप का ब्लॉग भी आ रहा है अमेरिका में जयदीप और लाली भाई बहुत ही सारा एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी आप जाके देख लो और मिलेंगे कल कुछ नए कंटेंट के साथ। बाय।